प्रेम कुमार जी, क्योंकि हमने हमेशा एनडी गठबंधन की बात की है, तो जरा ये बताइए ये क्या हो रहा है एनडी गठबंधन में। पहले कई लोग जुड़े जिन्होंने कहा कि एकजुट है, बीजेपी को हराना है, लेकिन आज सब तितर बितर हो रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, विषय तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों रहना चाहिए, क्योंकि एनडीए में क्या हो रहा है वो भी देखने की जरूरत है, इंडिया में क्या हो रहा है वो भी देखने की जरूरत है। सिर्फ इंडिया ही गठबंधन दिख रहा है भाई, क्या हो रहा है बिहार में भाई, क्यों नहीं हो पा रहा है सीट शेयरिंग एनडीए के बीच में, क्यों चिराग पासवान पारस लड़ रहे हैं, क्यों चीजें नहीं हो रही, ये भी एक सवाल है। और कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्या, उड़ीसा में झांक के देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लेकिन नेता कांग्रेस में आए। आज वो कॉन्फिडेंस आपकी बात में नजर नहीं आ रहा है, मेरे को वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है जो आमतौर पर हमेशा नजर आता है। देखिए कुछ नहीं मिला तो मेरा कॉन्फिडेंस झांकने लगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी का वो कद देखा है, मैंने राहुल गांधी के साथ चलते हुए उनको देखा है, मैंने जम्मू कश्मीर में वो देखा है कि इंडी गठबंधन की जब बात आती है तो पीडीपी और एनसी कैसे एक साथ पहले बात करते थे लेकिन उसके बाद आज अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह तो होगी, कुछ तो बात होगी कि एकजुट नहीं कर पा रहे हैं सबको। पहले तो एक बात ये समझिए कि जो कुछ हो रहा है ये हर जगह हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी संसाधन से युक्त है, एक सीईओ की तरह कंपनी की तरह चला रही है, जैसे रिलायंस अपने प्रतिस्पर्धी को नहीं रहने देना चाहता था, एक समय कोई नहीं रहेगा हम ही चलाएंगे नेटवर्क, उसी तरीके से इनका है कि कोई विपक्ष में मत रहने दो, सबको अपने साथ जोड़ लो, कांग्रेस युक्त कर लो बीजेपी को, और उसके बाद में ये उनकी शैली है। विपक्ष के लोग भी बहुत गजब के हैं ना, जो पहले एकजुटता की बात करते हैं, पहले विश्वास की बात करते हैं, पहले मोदी को हराने की बात करते हैं और उसके बाद खुद अलग हो जाते हैं, तो ये विपक्ष के लोग भी उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है ये एक बड़ा सवाल है हर जगह। कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ रही है बीजेपी की, ये भी सवाल है, इसका मैं जवाब जान लेता हूँ। सौरभ दुबे जी बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कांग्रेस के नेताओं को जरूरत पड़ रही है बीजेपी की? बहुत से लोग बोल रहे हैं डूबता जहाज डूबता जहाज डूबता जहाज, कितने लोग भागेंगे उसमें से सौरभ जी? देखिए अभी जिस प्रकार से प्रेम कुमार जी जो है, प्रेम कुमार जी की चिंता बहुत ये थी कि आप इंडिया अलायंस की तो बात करते हैं, एनडीए की बात नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये समझने वाली बात है कि जो इंडिया अलायंस है उसको ज्यादा जरूरत है। देखिए जो एनडीए है वो तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीत करके आ रहा है, लक्ष्य दिया हुआ है 273 प्लस, पिछले दो बार से वो जीत करके आ रहे हैं, तो जो 273 जीत करके आ रहे हैं, जो अपने स्वयं बलबूते पे खड़ी हुई है पार्टी, उसको चिंता उसके लिए चिंता की जाए या उसके लिए की जाए जो 44 सीटों पर है और जिसके लिए गठबंधन में 230 सीटें चाहिए। तो आपको 230 सीटें चाहिए गठबंधन बनाने के लिए, तो चिंता तो उसी पर करेंगे, 230 सीटें कहां से आएंगी, जिनका जो स्वयं 273 का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं वो 370 की तैयारी कर रहे हैं। तो यह समझने वाली बात है कि भाई एनडीए पर चर्चा करके अगर आप बहुत चर्चा करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, एनडीए अलायंस को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। आप एक शुभचिंतक की तरफ आपने उनको बोला लेकिन उन्होंने उसको भी निगेटिव ले लिया। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है। देखिए एक है परिवार तंत्र जो कहता है मोदी हटाओ, दूसरी है पब्लिक जो कहती है मोदी जी की हैट्रिक बनाओ। तो जो पब्लिक है पब्लिक के साथ नेता भी जाना चाहता है। अब पब्लिक अगर मोदी जी से कन्वेंस है, मोदी जी की बातों से जो है प्रभावित है, मोदी जी की लोकप्रियता से प्रभावित है, तो उनके नेता भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सामान्य सी बात है। इसमें अगर कोई कांग्रेस के नेता प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार की नीतियों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। जिस दिन आपके यहाँ ये तीनों तैयार हो जाएंगे, एक नेता नीति नियत और गठबंधन आपका तैयार हो जाएगा, तो नेता आपके साथ ही रहेंगे। भाई वो आप ही क्या मुख्यमंत्री रहे, आप ही क्या बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रहे, पचौरी साहब कोई मामूली नाम नहीं है जो मध्य प्रदेश में जो अभी जिक्र किया आपने, तो ये सब बहुत बड़े नाम है जो लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा। अच्छा, ये बिगड़ा क्यों रहा है डिटेल में? जैसे कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, देखिए उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस के उन नेताओं की जो हमेशा पहले पानी पी पी के बीजेपी को कोसा करते थे लेकिन आज साथ में है मुस्कुराते हुए चेहरे। बताइए हिमांशु जी, एक लाइन जोड़ दूं धनंजय जी से जाने से पहले, सिर्फ एक लाइन बताइए कि जब आमंत्रित कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी माला पहना रहे हैं, बोलते हैं कि साले तुम तो गाली दिया करते थे हमको, तुम्हें तो अपना स्वागत अपनी पार्टी में लेने ही था, इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी।
अब वो उनके देखिए भाईचारा कितना होगा, उनकी दोस्त यारी कितनी लेवल की होगी। देखिए मैं उनके व्यक्तिगत संबंधों पे मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं उनके व्यक्तिगत संबंधों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कैलाश विजयवर्गीय को देखा है, उनके बातचीत करने का तरीका, अपने दोस्तों से मिलने का तरीका, मैं व्यक्तिगत तरीके पे नहीं जाऊंगा उनके। लेकिन धनंजय जी बताइए क्यों जरूरत पड़ रही है? तो जी प्रेम जी भी बिहार से आते हैं और वहां शादी ब्याह में गाली ना दिया जाए और रिश्तेदार नाराज हो जाता है, तो गाली भी भारत की संस्कृति में, गाली भी कब दिया जाए वो भी एक संस्कृति है, गाली भी गीत है, अगर समय पर दिया जाए तो गाली भी गीत है। और जिस दिल्ली में वो रहते हैं वहां की संस्कृति में नजदीकी दोस्त गाली देके एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। अगर ये बेसिक बातें हैं जो जो आज के जो कल्चर है, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। दूसरी बात मूल बात पे आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं जिसकी जो आपकी चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का वो जादू है कि हर कोई आज नरेंद्र को नेशन इस तरह से भाया हुआ है और नेशन नरेंद्र मोदी का नेतृत्व को इस तरह से स्वीकार कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का आपस में चीनी पानी जैसा मिलन हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस ऊंचाई पर नेशन को लेकर के जा रहे हैं, नेशन का एक एक व्यक्ति, और अगर कोई व्यक्ति गलत दल में पड़ा हुआ है, उसको लगता है कि भाई राहुल गांधी राहुल राह अवरुद्ध करते हैं और विदेश से भारत के बात विरुद्ध करते हैं, अगर एंटी नेशनल बातें करते हैं, एंटी सनातनी बातें करते हैं और यहाँ की सनातनी सभ्यता संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं, राहुल की समझ पर उनको सवाल है और वो लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन का जो महायान चल रहा है, विकास का जहाज चल रहा है, ये जो गति चल रही है जिस तरह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग पहुंचे और सूरज से आंखें या तो मोदी ने मिलाया या महावीर ने मिलाया था, जिस गति और प्रगति से राष्ट्र का उन्नयन विकास हो रहा है, उसमें कोई इस राष्ट्र की संविधान में कोई अपना भी होम बना देना चाहता है तो हम उसको क्यों मना करें? अच्छा, कोई अच्छे मन से आना चाहता है, रत्नाकर के वाल्मीकि बनने पर इस देश ने स्वागत किया था, हमारी तो संस्कृति ही रही है कि जब जागो तभी सवेरा है। हिमांशु जी, तो हम लोग तो शुरू से कहते रहे ना, जब राष्ट्रवाद की हुंकार, उसकी चिंगारी, उसकी आग आपके हृदय में भी लग जाए, आपको भी लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के साथ हमें सुना।